Bros meet the world. अच्छी टी शर्ट है ना, आपके भाई ने बनाई है। यार इस शर्ट की फोटो मैंने लगाई थी स्नैपचैट पे, और हमारे स्नैपचैट पे बड़े सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार ये आपने शर्ट कैसे बनाई। तो मैंने बोला यार आज का व्लॉग होना चाहिए हाउ टू मेक योर ओन कस्टम टी शर्ट्स। के अभी अभी डेडपूल रिलीज हुई है तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की जो थीम है वो मैं रखूं डेडपूल। यार जब भी मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने बैठता हूं तो मेरी नज़र में दो बड़ी डिस्टिंक्ट अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच होती है द नल्ला अप्रोच। नाम सुन के आपको डेफिनेटली अंदाजा हो गया होगा कि नल्ला अप्रोच उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपको कम से कम काम करना हो। एग्जिबिट ए, नेट से उठाया फ्री फॉन्ट, नेट से ही उठाया एक आर्ट पीस, उनको लाके डंप किया फोटोशॉप में, फोटोशॉप में थोड़ी बहुत एडिटिंग की, थोड़ा बहुत शशका किया, मर्ज किया, टी शर्ट पे डाला और बूम, टी शर्ट तैयार। जब पहली अप्रोच नल्ला अप्रोच थी तो ऑब्वियसली दूसरी अप्रोच जो है उसका एंटायरली ऑपोजिट होगी। तो दिस इज द रादर एक्सपीरियंस्ड अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है या आपका स्किल सेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसके अंदर आप थोड़ा ऊपर से आते हैं। प्रैक्टिकल नंबर दुआ। सबसे पहले मैंने बनाई एक बेसिक ड्राइंग कि मुझे डिज़ाइन में चाहिए क्या। उसके बाद मैंने एक बिल्ली की शक्ल उठा के अपनी डिज़ाइन पे रखी। उसके बाद मैंने डेडपूल की एक शक्ल उठाई, उसमें से आंखें कट करी, वो आंखें पेस्ट करी मैंने अपनी बिल्ली की शक्ल पे। उसके बाद ये बिल्ली की शक्ल सेट करके मैंने उठा के लगाई एक छोटे से बेबी की बॉडी पे। क्लिक, सेव, प्रिंट। यार अगर आप मेरा सेंस ऑफ क्रिएटिविटी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मैंने कितनी अजीब सी टी शर्ट बनाई, तो देखें यार बेसिक सा फॉर्मूला है। बेबी सर किसी को पसंद है, कैट सर किसी को पसंद है, और डेडपूल भी अब हर किसी को पसंद आ रहा है। तो इट्स अ विनर डिजाइन बाय डिफॉल्ट। टी शर्ट प्रिंटिंग एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हर टी शर्ट बनाने वाली कंपनी का जो है क्वालिटी लेवल अलग होता है। तो एज अ रूल ऑफ थंब मैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद फेसबुक पे नए नए पेजेस से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि कौन सी जगह से किस तरीके की टी शर्ट बनकर आ रही। अभी जो आपने मुझे टी शर्ट पहने देखा है वो मैंने बनवाई है एक कंपनी से जिसका नाम है द वेयरहाउस। इनका जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल होता है। आप अपना डिजाइन बनाते हैं, इनको ईमेल करते हैं और ये आपको बेसिकली प्रिंट करके भेज देते हैं। वेयरहाउस की जो एक और बड़ी कूल चीज है वो ये है कि दे आल्सो अलाउ यू टू सेल योर ओन टी-शर्ट्स। तो भाई मैंने भी अभी वेयरहाउस पे ये एक डिजाइन बना के लगाया। सॉरी थोड़ा टी शर्ट चुरमुर हुई हुई है, मैंने बड़े अजीब तरीके से अपनी अलमारी में रखी हुई थी। तो डेडपूल ऑन अ रिक्शा, अंकल जो है रिक्शा वाले फुल रिक्शा मंडते हुए जा रहे हैं, डेडपूल जो है वो क्वेश्चनेबल हरकतें कर रहा है एंड इट सेज देख मगर प्यार से। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट द पॉइंट इज के आप भी मेरी तरह अपनी टी शर्टें और उनके डिजाइन बेच के कूल हो सकते हैं। अच्छा भाई, तो पर्सनल मंजन सेलिंग टाइम, हिसाब ये है कि ये जो आपने ट्यूटोरियल देखा है तो ये ऑब्वियसली बहुत स्पीड अप हुआ था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आई हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ट्यूटोरियल देने के लिए मैंने एक यूट्यूब का पेज बनाया है जिसका नाम है डूडल शूडल्स। इसके ऊपर मैं ड्राइंग, डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लगाऊंगा ताकि अगर आपको इस चीज का शौक है तो आप सीख सकें। ऑब्वियसली ब्रोस के प्लेटफॉर्म में मैं इतने डिटेल ट्यूटोरियल समझा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियोस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से ज्यादा सीखने का कुछ शौक है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और चेक करें। मंजन टाइम ओवर, बैक टू द स्टोरी। हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे कि यार हम आर्टिस्ट हैं, हम डिजाइनर्स हैं, मगर हमें पता नहीं कि हम अपने आर्ट से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट कि आप अपनी मर्चेंडाइजिंग करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली 2+2=4 इतना सिंपल नहीं है, उसकी पूरी साइंस है, मगर वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यार ये थी मेरी आज की 2.0 की छोटी सी एपिसोड। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। Until next time, take care. Allah Hafiz.